नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ एंड्रॉइड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सुपर हीरो गेम्स के बारे में। यहाँ पे मैं सुपर हीरोज़ के कुछ गेम्स आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ फैन मेड होंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त गेम्स होंगे। मतलब अनऑफिशियल होंगे, ऐसे मतलब कंपनी की तरफ से लॉन्च नहीं किए गए जिनके ये सुपर हीरोज़ हैं, लेकिन अनऑफिशियल गेम्स होंगे। लेकिन गेम प्ले काफ़ी ज़बरदस्त होगा, आपको खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। और काफ़ी गेम्स ऑफलाइन रहने वाले हैं, तो आपको इंटरनेट की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार गेम डाउनलोड करना है। और आज की वीडियो लाइक हम रखने वाले हैं 10,000 लाइक। अगर कोई भी सुपर हीरो आपको पसंद आता है या फिर उसका गेम आपको यहां पे पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करो, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सबसे पहला गेम आता है, उस गेम का नाम है मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 7.3 GB के आसपास रहेगा। ये गेम अभी रिसेंट आया था, आप सभी को पता है। मोस्टली भाई गेम काफी जबरदस्त है, इसमें मोस्टली आपके मार्वल के सभी सुपर हीरोज है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, भाई सभी का गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाले सुपर हीरोज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक स्टोरी मोड देखने को मिलेगा, तो काफी लंबा स्टोरी मोड देखने को मिलता है, आप उसको एंजॉय करोगे। और यहाँ पे अलग अलग करेक्टर के साथ फाइट कर रहे हो, तो वो चीज काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे विलन्स भी काफी सारे देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मार्वल यूनिवर्स में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काफी जबरदस्त गेम बनाया, लेकिन गेम का साइज काफी ज्यादा है और हर एक डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो अगर आपके डिवाइस के लिए तो आप इस गेम को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। भाई अभी तक का मार्वल का सबसे बेस्ट गेम होगा एंड्रॉइड के लिए, तो मेरे कहने पे इसको जरूर ट्राई करना अगर आपको सुपर हीरोज वाले गेम खेलने पसंद है। साथ में स्टोरी मोड देखने को मिल रहा है, इतना तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है, उस गेम का नाम है मसल हीरो। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 147 MB के आसपास रहेगा। और यहाँ पे आपको हल्क देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे इसके अलावा और भी सुपर हीरोज अनलॉक होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हल्क का गेम प्ले दिखा रहा हूँ। और नो डाउट गेम काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे मैंने कुछ अबिलिटीज हैं वो अनलॉक की है, जो कि आपको अगर इंटरनेट ऑनलाइन रखते हो, एड्स वगैरह देखते हो, तो आपको ज्यादा कैश मिलता है, तो आप उस हिसाब से एबिलिटीज है वो ज्यादा अनलॉक कर पाते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको 3-4 एबिलिटीज दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी। और यहाँ पे आप जिसका गेम प्ले देख रहे हो, तो नो डाउट काफी जबरदस्त है भाई, मेरे को काफी पसंद आया। हालांकि ये कोई ऑफिशियल गेम नहीं है, अनऑफिशियल गेम है, लेकिन फिर भी गेम काफी जबरदस्त है। अगर आपको हल्क के साथ गेम प्ले खेलना है, तबाही मचानी है, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा थर्ड नंबर पर गेम आता है, वो है बैटमैन द एनिमी विद इन। इसके अलावा एक और गेम है बैटमैन द टेलटेल सीरीज, दोनों टेलटेल की तरफ से आते हैं और दोनों ही गेम्स काफी जबरदस्त हैं। ये एपिसोड वाली सीरीज होती है, इसमें हर एक एपिसोड का साइज है वो अलग रहेगा, तो गेम का टोटल साइज 5 GB से भी प्लस जा सकता है। लेकिन इसका जो गेम प्ले होता है ना भाई, वो काफी जबरदस्त है। मतलब आपको स्टोरी मोड तो देखने को मिल रहा है, आपकी चॉइसेस के ऊपर ना स्टोरी डिपेंड करेगी। मतलब इसमें आपको बटरफ्लाई इफेक्ट देखने को मिलता है, तो जो आप डिसीजन लोगे उस हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ेगी। और बीच में जो एक्शन देखने को मिलता है ना, जो आप परफॉर्म करते हो भाई कटसीन में, वो काफी जबरदस्त लगता है। यहाँ पे आपको वही दिखा रहा हूँ, ये एंड्रॉइड का गेम प्ले है, देखो यहाँ पे कितना जबरदस्त देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साउंड के साथ गेम प्ले दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए, पर गेम को जरूर ट्राई करना, गेम काफी जबरदस्त है। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है, वो है कैप्टन हीरो सुपर फाइटर। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 144 MB के आसपास रहेगा। अभी मैंने आपको एक हल्का गेम प्ले दिखाया था, सेम वैसा ही गेम प्ले, पूरा कंसेप्ट ही सारा कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, सिर्फ हीरो अलग रहेगा, बाकी गेम प्ले मोस्टली सेम रहेगा। लेकिन अगर आप कैप्टन अमेरिका के फैन हो, हल्क के फैन नहीं हो, तो आपको ये वाला गेम ट्राई करना चाहिए। वैसे उसमें भी मोस्टली सुपर हीरोज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अनलॉक करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो आप डायरेक्ट कैप्टन अमेरिका वाला है वो वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्किल्स मिलेंगे, तो मैंने कुछ ही अनलॉक किया, काफी देर खेलने के बाद कुछ ही अनलॉक कर पाया था, लेकिन उस हिसाब से आप देख सकते हो गेम प्ले काफी जबरदस्त है। मेरे को तो कैप्टन अमेरिका वाला भी हल्क से कहीं ज्यादा पसंद आया था, बाकी आप इसको जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है, वो है सुपर स्टिकमैन हीरोज। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 65 MB के आसपास रहने वाला है। जस्ट ये स्टिकमैन वाले फाइटिंग वाले जो गेम्स होते हैं ना भाई, काफी जबरदस्त होते हैं। इसमें काफी सुपर हीरोज आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। अभी आयरन मैन और स्पाइडरमैन की फाइट हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और इनमें जो अटैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि आई थिंक रियल में भी नहीं होंगे इन सुपर हीरोज के पास, तो वो वाला कंसेप्ट जो रखते हैं वो काफी जबरदस्त लगता है। तो मेरे को ये वाला फाइटिंग गेम काफी पसंद आया था। यहाँ पे इसका थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूँ।
दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 6 नंबर पे गेम आता है वो आयरन हीरो सुपर फाइटिंग गेम कुछ ऐसे करके नाम था। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज़ है वो 147 MB के आसपास रहेगा। इसमें आपको आयरन मैन देखने को मिलता है, जैसे उसमें हल्क, कैप्टन अमेरिका था, और इसमें आयरन मैन देखने को मिलता है। और बिलीव मी उसमें क्या बोलते हैं, हल्क और कैप्टन अमेरिका से कहीं बेटर गेम प्ले इसका होने वाला है। थोड़ा सा गेम प्ले चेकआउट करो, बाकी गेम प्ले सेम ही रहेगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है कैप्टन रिवेंज। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 87 MB के आसपास रहेगा। आप सभी को याद होगा कुछ जावा करके गेम्स आते थे, जावा गेम्स सब जो हमें फोन में इंस्टॉल करते थे, मार्वल की तरफ से भी काफ़ी आते थे, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ऐसे गेम एंड्रॉइड टच डिवाइसेस में खेलने में भाई मतलब काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के स्टोरी मोड देखने को मिलेगा। अगर आपने मुस्तफ़ा खेला है ना, कुछ वैसा थोड़ा बहुत कंसेप्ट फाइटिंग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग अटैक्स पावर्स देखने को मिलेंगी और उसमें आपको एड्स देखनी पड़ती है, ये छोटी सी दिक्कत रहती है। बाकी गेम तो ऑफलाइन होता है लेकिन ऐड के चक्कर में आपको इसको ऑनलाइन खेलना पड़ता है। बाकी अगर आप कैप्टन अमेरिका के फैन हो तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 8th नंबर पर गेम आता है वो है रॉबर्ट सुपर हीरो। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 103 MB है। इसमें आपको डेडपूल हीरो देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ 2-3 हीरोज और भी देखने को मिलेंगे जो आप आगे जाके अनलॉक कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपल फाइटिंग गेम होने वाला है। एनिमीज की वेव्स टाइप कुछ आएंगे और सिंपल जाके आप फाइट कर रहे हो। तो अगर आप डेडपूल सीरीज के फैन थे तो डेडपूल वाला करेक्टर वाला हीरो की फाइटिंग गेम ट्राई करना चाहते हो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। बाकी गेम इतना खास नहीं है, कोई स्टोरी मोड नहीं है, नॉर्मल से एनिमीज या बॉस बैटल्स देखने को मिलते हैं। फिर भी अच्छा कंसेप्ट है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 9th नंबर पर गेम आता है वो है स्पाइडर फाइटर। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 147 MB। हाँ ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है मोस्टली सभी गेम का साइज है क्योंकि पूरा गेम ही सेम है, सिर्फ सुपर हीरोज अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पाइडरमैन वाला थोड़ा सा कंसेप्ट। बिल्कुल कॉपी तो नहीं कर सकते थे वरना आप सभी को पता दिक्कत होती, लेकिन स्पाइडर के जो मूव्स हैं वो काफ़ी जबरदस्त हैं। हालांकि मेरे को आयरन मैन वाला ज़्यादा पसंद आया था तो आप एक बार उसको जरूर ट्राई करना। बाकी अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो आपको ये वाला ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे आगे जाके एबिलिटीज अनलॉक होंगी तो गेम प्ले काफ़ी जबरदस्त हो जाता है, बॉस बैटल्स भी देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त गेम, आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 10th पोजीशन पर गेम आता है वो है सुपर हीरो फाइटिंग गेम्स। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का जो साइज है वो 200 MB के आसपास रहने वाला है। और यहाँ पे हीरो का कंसेप्ट देख सकते हो, उस नाम कैसे हैं स्पाइडर पूल वंडर विच करके, थोड़ा बिल्कुल सेम नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे आपको एक फाइटिंग गेम्स देखने को मिलता है जिसमें मोस्टली काफ़ी सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा गेम। अगर आप कोई सुपर हीरो फाइटिंग गेम ढूंढ रहे हो ना सिंपल टच कंट्रोल्स वाला, तो आपको ये वाला गेम काफ़ी पसंद आने वाला है। सिंपल फाइटिंग गेम्स फाइटिंग ही देखने को मिलेगी इसमें, कोई स्टोरी मोड नहीं होगा, कोई इतना खास नहीं है। बाकी अलग अलग सुपर हीरोज भी देखने को मिलेंगे, अलग यूनिवर्स वाले भी कुछ अलग कंसेप्ट रखा गया है, तो वो मेरे को काफ़ी पसंद आया, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, एक भी गेम पसंद आया हो या डाउनलोड करने वाले हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो का लाइक एम 10,000 था, जितनी जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर देना। और आगे से आपको थोड़े रेगुलर वीडियोज देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियोज आपको अपलोड करके दे सकूँ। बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर क्या करो जो कि एंड्रॉइड गेम्स ढूंढते रहते हैं, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।